जी बेटा, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द वेक्टर ए 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप एज सम ऑफ वेक्टर्स सच दैट वन इज़ पैरेलल टू द वेक्टर बी एंड अदर इज़ पैरेलल परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए सानू दिता होया वै 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। उन्हें क्या है कि वैक्टर ए नू एक्सप्रेस करो एज ए सम ऑफ टू वैक्टरस, यानी कि असी सपोज कर लिया कि लैट वैक्टर ए जड़ा है वह कैपिटल वैक्टर ए प्लस कैपिटल वैक्टर बी दे सम दे बराबर है। ठीक है, उन्हें क्या कि इन्हों जो एक है ना, एक वैक्टर जो पैरल है वैक्टर ऑफ वैक्टर बी दे, यानी कि सपोज कर लें लैट वैक्टर ए इज़ पैरल टू वैक्टर बी एंड अदर इज़ परपेंडिकुलर टू वैक्टर बी एंड वैक्टर बी जड़ा है वह परपेंडिकुलर टू वैक्टर बी है। हूँ वैक्टर ए अगर ये पैरल है तो यहाँ मतलब होया कि वैक्टर ए जड़ा वै वो कि बराबर हो गया दैट इज़ इक्वल टू लैमडा इंटू वैक्टर बी, लैमडा वैक्टर बी के बराबर हो गया। तो यह जड़ा वै बेटे लैमडा वैक्टर बी, वैक्टर बी सानू पता है किदे बराबर है, वैक्टर ए सानू नहीं पता, तो यदा मतलब आ गया लैमडा इंटू वैक्टर बी कि बराबर है 3i कैप प्लस के कैप, 3i कैप प्लस के कैप। तो इन्हों मल्टीप्लाई कर दो, वैक्टर ए इज़ इक्वल टू 3λi कैप प्लस लैमडा के कैप, यह तड़ा हो गया वैक्टर ए दे बराबर। हुण उन्हें क्या है कि वैक्टर बी जिहड़ा परपेंडिकुलर है वैक्टर बी दे, तो उन्हों किस तरह लिखांगे, इहदा मतलब हो गया गिवन होर की हैगा वै, गिवन है कि वैक्टर बी इज़ परपेंडिकुलर टू वैक्टर बी दैट इज़ इक्वल टू, यदा मतलब वैक्टर बी इंटू डॉट वैक्टर बी इज़ इक्वल टू की हो गया 0। ठीक है, यह जड़ा है वह 0 दे बराबर है। तो वैक्टर बी डॉट बी, हुण सानू बी जिहड़ा वैक्टर बी सानू वह पता नहीं है कि बराबर है ना, वैक्टर बी का तो पता वै, यदा मतलब इनू इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। हुण सानू यह पता वै कि वैक्टर ए इज़ इक्वल टू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी दे बराबर है, तो मतलब इतों असी वैक्टर बी निकाल सकते ना किन्ना वै, वैक्टर बी इज़ इक्वल टू आ गया वैक्टर ए माइनस ऑफ वैक्टर ए। हुण वैक्टर ए सानू पता वै किन्ना वै, वो हैगा वै दैट इज़ इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो ये असी माइनस करांगे वैक्टर ए असी निकाल चुके हैं, वो बराबर हैगा वै माइनस की करना है 3λi कैप प्लस लैमडा के कैप दैट इज़ इक्वल टू वैक्टर बी, तुहाडे कि बराबर आ गया आई वाले इकट्ठे कर दो 5 माइनस 3λi कैप माइनस 2j कैप प्लस 5 माइनस λk कैप। ठीक है, ए बराबर आ गया। गिवन सानू दिता होया कि जिहड़ा ए दोनों का डॉट प्रोडक्ट जिहड़ा वो 0 है, यानी कि यह वैक्टर बी हुण साढ़े को आ चुका नाओ, यदा मतलब हो गया 5 माइनस 3λ इंटू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5 माइनस λ इंटू k कैप। यदा डॉट प्रोडक्ट असी कि लैना वै वैक्टर बी नाल, वैक्टर बी किन्ना है वो है 3i कैप प्लस के कैप, ये कि बराबर है 0 के बराबर, ये कि बराबर हैगा वै 0 के बराबर है। ठीक है, इन्हों डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो यदा मतलब असी की करिए हूँ इन्हों दोनों डॉट प्रोडक्ट ले लिए, आई वाला आई ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह हो गया 3 इंटू 5 माइनस 3λ, जे वाला है नहीं, मतलब जे वाला की हो गया 0 है तो 0 बन गया, प्लस 5 माइनस λ इंटू 1 इज इक्वल टू 0, इन्हों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, ये आ गया बेटा 15 माइनस 9λ प्लस 5 माइनस λ इज इक्वल टू 0। 15 दे 5 किन्ने हो गए 20 माइनस 10λ इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 10λ।
कट के किन्ना आ गया, दिस इज इक्वल टू लैमडा इज इक्वल टू किन्ना आ गया, टू। लैमडा की वैल्यू आ गई बेटा टू आ गई साढ़े को। जो लैमडा निकल आया तो असी वैक्टर ए तो वैक्टर बी असी दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। नाओ वैक्टर ए जड़ा है वो कि बराबर आ गया, लैमडा की वैल्यू असी टू पुट कर देंगे, तीन दूनी छे आई कैप प्लस किन्ना आ गया प्लस टू के कैप। तो वैक्टर यह कैपीटल वैक्टर ए है, तो कैपीटल वैक्टर बी कि बराबर आ गया, वो असी ए निकालिया फाइव माइनस थ्री लैमडा, लैमडा की जगह पर की पुट करना सी टू, वो आ गया फाइव माइनस सिक्स आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फाइव माइनस टू के कैप। ठीक है, फाइव माइनस टू के कैप दैट इज इक्वल टू वैक्टर बी तेरे को आ गया माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। दोनों वैक्टर तेरे को आ गए, वैक्टर ए भी आ गया तो वैक्टर बी भी फाइंड आउट हो गया। ठीक है, नैक्सट देखो, नैक्सट है बेटा इफ वैक्टर ए इफ इफ ए यूनिट वैक्टर ए, मतलब एक यूनिट वैक्टर है वैक्टर ए सानू गिवन दिता हुआ है कि मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए इज इक्वल टू वन, ए यूनिट वैक्टर है, मेक्स एंगल पाई बाय फोर विद आई कैप। हूँ वैक्टर ए जड़ा वा मतलब कंपोनेंट हो गए ना, तो जोड़ा वैक्टर ए है ये देखो जिस तरह हूँ ए तीन एक्सेस हो गए एक्स ओ वाई तो जैड, ए मान लो कोई वैक्टर ए है। ठीक है, मेक्स एन एंगल पाई बाय फोर विद आई कैप, इतने आई कैप होएगा ए जे कैप होएगा तो यहाँ के कैप, क्योंकि एना यूनिट वैक्टर हो जाते हैं। ठीक है ना, हूँ तो मतलब असं सपोज कर लिए लैट वैक्टर ए इज इक्वल टू है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप दे बराबर है, ये वैक्टर ए जड़ा बराबर है। तो हूँ उन्हें क्या वै कि वैक्टर ए जड़ा वै आई कैब के नाल पाई बाय फोर एंगल बना रहा, जे के नाल पाई बाय थ्री एंगल बना रहा, तो एक क्यूट एंगल थीटा, कोई क्यूट एंगल यानी 90 डिग्री तो छोटा जो एंगल है वह के कैब ना बना रहा। तो असी फाइंड आ कॉम्पोनेंट ऑफ वैक्टर ए, वैक्टर ए दे असी कॉम्पोनेंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कि कॉम्पोनेंट्स की होंगे यानी कोआर्डिनेट जोड़े है जिन्होंने आप बोलते हैं जोड़े आई जे के ने आ गए कॉम्पोनेंट बन गए, कॉम्पोनेंट ऑफ वैक्टर ए निकालने एंड एंगल थीटा, तो थीटा फाइंड आउट करना है कि वह किन्ना होएगा। ठीक है, तो यह बराबर आ गया बेटे, हाँ जी यह तेरे को आ गया गिवन वैक्टर ए मेक्स एन एंगल पाई बाय फोर विद आई कैप, यदा मतलब हो गया बेटा कॉस पाई बाय फोर, कॉस पाई बाय फोर जोड़ा वै वह है वैक्टर ए डॉट आई कैप। ठीक है, तो फार्मूला की होंगे वा कॉस थीटा का, दो वैक्टर की मल्टीप्लीकेशन ओवर मॉडुलस ऑफ टू वैक्टर्स। ठीक है ना, इन्हों का यूनिट वैक्टर आ जाएगा, कॉस पाई बाय फोर किन्ना हो गया वन बाय अंडर रूट टू। वैक्टर ए जड़ा वै जो असं आई कैप ना मल्टीप्लाई करांगे तो सिर्फ आई वाला पोर्शन जड़ा है वो ही ये मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है ना, क्योंकि इनू लिखांगे असी ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, यह पूरा थोड़ा है ए वैक्टर, तो जो असं इनू आई कैप ना मल्टीप्लाई करांगे तो सिर्फ आई कैप के नाल ही मल्टीप्लाई होएगा, सिर्फ ये ए वन ना बाकी किसी ना मल्टीप्लाई नहीं होएगा। ठीक है, तो यह सानू गिवन है मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए किन्ना है वै वन, यूनिट वैक्टर ऑफ आई कैप किन्ना वै वन, दैट इज इक्वल टू इधर चला गया वन बाय अंडर रूट टू, हूँ यह तड़ा बन गया दैट इज इक्वल टू ए वन, आई कैप वन हो जाता आई डॉट आई वन, बाकी जे डॉट तो जे कैप के कैप है नहीं कि वो जीरो ही है। ठीक है, वह सारे की हो जाएंगे जीरो, इतों ए वन की वैल्यू कि निकल आई थोड़े को वन बाय अंडर रूट टू, ए वन की देखो थोड़े को वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अगेन वैक्टर ए मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल पाई बाय थ्री विद जे कैब देना पाई बाय थ्री एंगल बना रहा, तो यदा मतलब की हो गया
कॉस पाई बाय थ्री दैट इज इक्वल टू वैक्टर ए डॉट जी कैप ओवर मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए एंड यूनिट वैक्टर जो जी कैप वह मॉडुलस ठीक है तो कॉस पाई बाय थ्री यानी कि कॉस 60 डिग्री 1 बाय टू तो हूँ जे वाला कंपोनेंट जे ना मल्टीप्लाई होएगा तो ये बन जाएगा ए टू ठीक है ए टू बन गया गला तो ओवर कि आ गया 1 इंटू 1 यदा मतलब ए टू की वैल्यू कि आ गई 1 बाय टू ए टू की वैल्यू आ गई 1 बाय टू ठीक है होर सानू गिवन जड़ा दिता हुआ हूँ उतों असी ए थ्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन है कि मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू मॉडुलस का मतलब हो गया ए वन स्केयर प्लस ए टू स्केयर प्लस ए थ्री स्केयर दैट इज इक्वल टू 1 स्केयरिंग बोथ साइड कर दो दोनों पासे की कर देंगे स्केयरिंग कर देंगे जो स्केयरिंग करांगे तो वो की हो जाएगा स्केयरिंग करके बेटा ए आ गया तेरे को ए वन स्केयर प्लस ए टू स्केयर प्लस ए थ्री स्केयर दैट इज इक्वल टू 1 ठीक है वो आ जाएगा 1 आ जाएगा हूँ ए वन स्केयर की वैल्यू पुट करो ए वन स्केयर को आप निकालिया 1 बाय अंडर रूट टू द वो 1 बाय टू द प्लस ए थ्री स्केयर इज इक्वल टू 1 ये आ गया 1 बाय टू प्लस 1 बाय फोर प्लस ए थ्री स्केयर इज इक्वल टू 1 ए थ्री स्केयर की वैल्यू आ गई बेटा 1 माइनस 1 बाय टू माइनस 1 बाय फोर यह लवेंगे असी एलसीएम एलसीएम कितना आ गया एलसीएम आ गया तेरे को 4 माइनस 2 माइनस 1 ठीक है यह बन गया 4 माइनस 3 ओवर 4 ए थ्री की ए थ्री स्केयर की वैल्यू आ गई 1 बाय 4 यदा मतलब ए थ्री कितना आ गया प्लस माइनस 1 बाय 2 ए थ्री की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 बाय 2 हूँ सानू उन्हें क्या वा कि ए थ्री के नाल वो जड़ा वैक्टर ए जड़ा वा के कैप नाल कितना एंगल बना रहा थीटा गिवन वैक्टर ए मेक्स एंगल थीटा विद के कैप यदा मतलब हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू वैक्टर ए थ्री डॉट के कैप ओवर मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए डॉट इंटू मॉडुलस ऑफ वैक्टर के कैप हूँ कॉस थीटा तो सानू नहीं पता जो तो उन्होंने मल्टीप्लाई करांगे ए बन जाएगा ए थ्री ओवर 1 इंटू 1 यह आ गया तेरे को कॉस थीटा ए थ्री हूँ आप निकाल चुके हैं सानू हूँ थीटा नहीं पता बट ए थ्री पता है ए थ्री कितना है प्लस माइनस 1 बाय 2 यदा मतलब कॉस थीटा की वैल्यू आ गई साढ़े को प्लस माइनस 1 बाय 2 इट इंप्लाइज हूँ एक पॉजिटिव आ गई एक आ गई नैगेटिव पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हो गया कि कॉस थीटा कितना होएगा कॉस 60 डिग्री जड़ा वै ठीक है ना कॉस थीटा 60 डिग्री के बराबर होएगा या फिर कॉस थीटा कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 क्योंकि सैकेंड क्वाड्रेंट कॉस नैगेटिव होंगे दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और 120 डिग्री बट थीटा इज एन एक्यूट एंगल क्योंकि ये एक्यूट एंगल है देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ये आंसर आ जाएगा ठीक है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप वेक्टर बी इज इक्वल टू जे कैप प्लस थ्री के कैप एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप आर गिवन ए तीन वैक्टर सानू गिवन है फाइंड वैक्टर डी असी एक होर वैक्टर डी फाइंड आउट करना है इफ वैक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू वैक्टर सी एंड वैक्टर डी डॉट वैक्टर ए इज इक्वल टू 6 वैक्टर डी डॉट वैक्टर बी इज इक्वल टू 11 ये आप फाइंड आउट करांगे तीन वैक्टर सानू गिवन है तो एक वैक्टर डी असी फाइंड आउट करना है असं सपोज कर लेंगे लैट वैक्टर डी इज इक्वल टू डी वन आई कैप प्लस डी टू जे कैप प्लस डी थ्री के कैप ये असी मान लिया वैक्टर डी
उन्होंने सानू गिवन दिता होया, गिवन वैक्टर डी इज़ परपेंडिकुलर टू वैक्टर सी, यदा मतलब हो गया वैक्टर डी डॉट वैक्टर सी इज़ इक्वल टू जीरो। इन्हों दोनों का डॉट प्रोडक्ट कि बराबर है जीरो के बराबर। तो यदा मतलब वैक्टर डी सू पता कि वै डी वन आई कैप प्लस डी टू जे कैप प्लस डी थ्री के कैप, यदा डॉट प्रोडक्ट लैना सी ना। तो वैक्टर सी साढ़े को है वै आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप दैट इज़ इक्वल टू जीरो। हुण इन्हां दोनों नूं आई कैप ना आई कैप वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा डी वन माइनस टू डी टू प्लस डी थ्री इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर आ गई तुहाडे को वन। होर सानूं गिवन है वैक्टर डी डॉट वैक्टर ए इज इक्वल टू सिक्स, इहदा मतलब हो गया डी वन आई कैप प्लस डी टू जे कैप प्लस डी थ्री के कैप, इहनूं असीं मल्टीप्लाई करांगे वैक्टर ए ना। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू सिक्स। इत्थों साढ़े को दूसरी इक्वेशन आ जाएगी डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री इज इक्वल टू सिक्स, सैकेंड इक्वेशन आ गई। होर सानू की गिवन है ऑलसो वैक्टर डी डॉट वैक्टर बी इज इक्वल टू इलेवन, इट इम्प्लाइज डी वन आई कैप प्लस डी टू जे कैप प्लस डी थ्री के कैप, यदा डॉट प्रोडक्ट लेना आप आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप ना, तो वह कि आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन दैट इज़ इक्वल टू डी वन माइनस टू डी टू प्लस डी थ्री इज इक्वल टू इलेवन। ठीक है, यह आ गई साढ़े को थर्ड इक्वेशन। यदा मतलब इन तीन इक्वेशनस नूं बेटा असी सॉल्व करांगे। अगर तीनों इक्वेशनस जो सॉल्व करांगे तो साढ़े को डी वन डी टू डी थ्री की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वह आप वैल्यूज़ निकाल लवेंगे तो ये पुट कर देंगे तो वह साढ़े को वैक्टर डी आ जाएगा। समझ लग गई ना कि क्वेश्चन क्यों इस तरह दिता हुआ है, क्योंकि तीन चीज़ा अननोन ने, तो तीन इक्वेशन साढ़े को आनी चाहिए, तीन इक्वेशन साढ़े को बन गई हैं। ठीक है, हूँ आप करिए फस्ट तो सैकेंड नबट्रैक्ट कर दी, क्योंकि ये डी वन डी थ्री दोनों प्लस दे, ये भी डी वन डी थ्री जोड़े है प्लस दे है, या दूसरा तरीका वै कि तो डी वन डी थ्री की वैल्यू कटो तो पुट कर दो, दोनों तरीके कर सकते आप, असी सबट्रैक्ट कर दीए बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू, ये बन गया डी वन माइनस टू डी टू प्लस डी थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये नीचे लिखो डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री इज इक्वल टू सिक्स। जो दोनों सबट्रैक्ट किया तीनों निशान सारे निशान माइनस के हो गए, डी वन कैंसल हो गया, डी थ्री कैंसल हो गया, माइनस थ्री डी टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स, माइनस ना माइनस कैंसल हो गया, इट इम्प्लाइज डी टू इज इक्वल टू सिक्स ओवर थ्री दैट इज इक्वल टू टू, डी टू की वैल्यू आ गई साढ़े को टू आ गई। ठीक है, हूँ नैक्सट देखो थर्ड इक्वेशन जी है वेद भी डी वन डी थ्री आ रहा। ठीक है, यदा मतलब इन्हों भी सबट्रैक्ट कर दीए बाय सबट्रैक्टिंग, पर आप क्योंकि यदि वैल्यू पुट कर देंगे इतने फिर उ आए ना। ठीक है, क्योंकि डी टू की वैल्यू साढ़े को आ चुकी है, हूँ आप डी टू की वैल्यू निकाल चुके हैं, हूँ आप डी वन तो डी थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। यदा मतलब हूँ फस्ट इक्वेशन तो थर्ड इक्वेशन डी वन डी बी डी वैक्टर ए वैक्टर आई कैप जी कैप के कैप डी वैक्टर बी जड़ा है वो असी गलत लगाता, वैक्टर डी डॉट बी इज इक्वल टू इलेवन, तो बी वैक्टर तुहाडे को सीगा जे कैप प्लस थ्री के कैप, जे कैप प्लस थ्री के कैप, यदा मतलब यह नहीं है दैट इज इक्वल टू नहीं है जे कैप प्लस थ्री के कैप। ठीक है, तो वह इक्वेशन बन जाएगी तुहाडी को डी वन खत्म हो जाएगा, इक्वेशन तुहाडे को आ गई डी टू प्लस थ्री डी थ्री इज इक्वल टू इलेवन। ठीक है,
इज इक्वल टू 11। हाँ जी, डी टू प्लस थ्री डी थ्री इज इक्वल टू 11। हूँ इत डी टू की वैल्यू पुट करो तो डी थ्री की आ जाएगी। पुट डी टू इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, क्योंकि यह इक्वेशन 3 है ताकि हूँ डी टू तुहाड़े को आ गया 2 प्लस 3 डी थ्री इज इक्वल टू 11। यह बन गया, इट इम्प्लाइज 3 डी थ्री इज इक्वल टू 11 माइनस 2। 3 डी थ्री इज इक्वल टू 9, 3 3 द 9, इट इम्प्लाइज डी थ्री इज इक्वल टू 9। हूँ डी टू डी थ्री की वैल्यू आ गई तो इन पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 च पुट कर दिए डी वन प्लस डी टू की वैल्यू है 2, डी थ्री की वैल्यू है 3, डी थ्री की वैल्यू है 3, दैट इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 6। तेरा मतलब डी वन की वैल्यू आ गई 1। इट इम्प्लाइज डी वन इज इक्वल टू 6 माइनस 5, इट इम्प्लाइज डी वन इज इक्वल टू 1। देयर फोर वैक्टर डी की वैल्यू आ गई तुहाड़े को 1 आई कैप, यानी कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, यह तुहाड़े को बन गया वैक्टर डी। ठीक है, इस तरह बाकी क्वेश्चन असं कर लाँगे ना। हूँ नैक्सट देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वैक्टर विद वैक्टर 3 आई कैप माइनस 5 के कैप, 2 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस एंड आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आर रिस्पेक्टिवली माइनस 1 6 एंड 5, फाइंड आ वैक्टर्स। वैक्टर असं फाइंड आउट करना है कि वैक्टर जोड़ा कि बराबर होएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वैक्टर, यदि मतलब कोई वैक्टर सू चूज करना पेगा। लैट वैक्टर ए इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, सपोज कर लिया आप। ठीक है, तो गिवन सानू की हैगा वै कि जोड़ा वैक्टर है वह ए वाले वैक्टर ना, यदा तो डॉट प्रोडक्ट माइनस 1 है, तो यदा तो वैक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट जोड़ा 6 है, यदा तो डॉट ए वैक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट जोड़ा वै 5 है। ठीक है, गिवन है वैक्टर ए डॉट 3 आई कैप माइनस 5 के कैप इज इक्वल टू माइनस 1। यदा मतलब हो गया ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप इंटू 3 आई कैप माइनस 5 के कैप इज इक्वल टू माइनस 1। इन्हों मल्टीप्लाई करो, यह बन गया 3 ए वन। ठीक है, ए टू तो आएगा नहीं क्योंकि जे कैप नहीं है, माइनस 5 ए थ्री इज इक्वल टू माइनस 1, पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली इस तरह इन्हों दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, हम इतने आई जे वाले है के वाला नहीं है कोई भी, वो बन जाएगा 2 ए वन प्लस 7 ए टू इज इक्वल टू 6। यह बन गई दूसरी इक्वेशन। एंड हूँ ए तीनों है गया, वो बन जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू 5। यह बन गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, उस तरह इन सॉल्व कर लेंगे। हूँ सॉल्व करना है, जो सॉल्व करने का की तरीका वै, इतों ए वन की वैल्यू कढ़ो तो ये पुट कर दो, या ए थ्री की वैल्यू कढ़ो वह भी ए वन च आ जाएगी, ए टू की वैल्यू भी ए वन च आ जाएगी। ठीक है ना, तो वो ईजी हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 तो असी ए थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर वो आ जाएगी वो बटे च आ जानी, तो वह बन जाएगा ताड़े को बन गया 3 ए वन प्लस 1 इज इक्वल टू 5 ए थ्री। सू 5 ए थ्री नहीं चाहिए, ए थ्री चाहिए, मतलब 3 ए वन प्लस 1 ओवर 5 इज इक्वल टू ए थ्री। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 तो असं ए टू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 7 ए टू इज इक्वल टू 6 माइनस 2 ए वन, यानी कि ए टू की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2 ए वन ओवर आ जाएगा 7। ठीक है,
सिक्स माइनस टू ए वन ओवर सैवन। तो यह वैल्यूज असी क्वेश्चन नंबर थ्री पुट कर देंगे, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री जो पुट करांगे, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री है थोड़ा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू फाइव। ए वन जड़ा आ गया बेटे, ए वन की वैल्यू तो आप कड़ी नहीं है ना, वो ए वन ही रहेगी। प्लस ए टू, ए टू की वैल्यू जी है वह हैगी सिक्स माइनस टू ए वन ओवर सैवन। तो ए थ्री की वैल्यू है प्लस थ्री ए वन प्लस वन ओवर फाइव इज इक्वल टू आ गया फाइव। हूँ एल सी एम जड़ा हो जाएगा थर्टी फाइव, थर्टी फाइव हो गया सैवन फाइव सा थर्टी फाइव, तो यह आ गया थर्टी फाइव ए वन। हूँ इन फाइव ना मल्टीप्लाई करांगे, प्लस फाइव इंटू सिक्स माइनस टू ए वन, तो यह हो जाएगा सैवन ना मल्टीप्लाई, सैवन इंटू थ्री ए वन प्लस वन इज इक्वल टू फाइव। इन हूँ ध्यान ना करना ना, यह आ जाएगा बेटा तेरे को थर्टी फाइव ए वन प्लस थर्टी माइनस टेन ए वन प्लस ट्वेंटी वन ए वन प्लस सेवन इज इक्वल टू फाइव इंटू थर्टी फाइव। हूँ जरा थर्टी फाइव ए वन ट्वेंटी वन ए वन प्लस कर दो, तो दस घटा दो, या पैंतियाँ चो दस गए पच्ची आ गया, पच्ची ए वन प्लस इक्की ए वन, ठीक है, यह दोनों प्लस दिया रकम हो गई। तो यह हो गया थर्टी प्लस सैवन, प्लस हो गया थर्टी सैवन इज इक्वल टू पंज पंज पच्ची, हंस लाए दो पंती पंद्रह दो सतारा एक सौ पचहत्तर, यह बन गया तेरे को छे फोर्टी सिक्स ए वन इज इक्वल टू वन सैवनटी फाइव माइनस थर्टी सैवन। ए वन की वैल्यू आ गई पंद्रह सत्त गए अठ, इत रह गए छे एक सौ अठत्ती, ठीक है। तो हूँ फोर्टी सिक्स मेरे ख्याल थ्री तो जाएगा अठारह तेरह, ठीक है, ओवर फोर्टी सिक्स। ए वन की वैल्यू आ गई तेरे को थ्री, ए वन की वैल्यू थ्री आ गई। नाओ ए टू, ए टू की वैल्यू होगी है सिक्स माइनस टू इंटू थ्री ओवर सैवन, सिक्स माइनस सिक्स ओवर सैवन दैट इज इक्वल टू जीरो। ए टू की वैल्यू आ गई जीरो। ए थ्री, ए थ्री बेटा है तोड़ा थ्री इंटू टू, सॉरी थ्री इंटू थ्री प्लस वन ओवर फाइव, नाइन प्लस वन ओवर फाइव दैट इज इक्वल टू टेन ओवर फाइव, तो यह आ गई टू, ठीक है। ए थ्री की वैल्यू आ गई तेरे को टू। नाओ वैक्टर ए तोड़ा कि बराबर आ गया, वैक्टर ए इज इक्वल टू थ्री आई वन प्लस जीरो जे कैप, थ्री आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस टू के कैप, यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आ गया थ्री आई कैप प्लस टू के कैप, ठीक है। सारे क्वेश्चन जोड़े इस तरीके दे नाल है वो जो सी कर लेने हैं, तो कल नू असी करांगे, नैक्सट करांगे अपना क्रॉस प्रोडक्ट। ओके बेटा।